अब 100 किलोमीटर में मैं तो खाना है। तो ये क्या है, कैसा लगा मेरा मजाक? ना पानी है ना टॉयलेट है। तभी फ्रेश हो लिया यहाँ में बाथरूम में, क्योंकि पेट्रोल पंप भी एक जगह है, एक मात्र जगह है जहाँ फ्रेश होने के लिए, मूड होने के लिए नहा सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सामने वाला ट्रक ऐसा खड़ा है और इधर वाला ऐसा खड़ा है, उसमें गैप इतना ही है, इतना ही इतना गैप है, इतना गैप से बाइक निकलेगा नहीं। भाई जान कैसा है, ट्रकों का बीचों बीच चलो फिर रास्ता बन गया। मौत को छू के ट्रक से वापस आ सकता हूँ। तो आपको भी वो ट्रक का लाइन में खड़ा होना है। हाँ रास्ता है, नहीं तो डर लगता है ना। आर यू कॉमेडी मी? देखना पड़ेगा अभी, लेकिन मैं पहले भी आ चुका हूँ ये वाला। पहले आप आए थे, रास्ता ठीक था। तो पैकिंग हो चुका है, अभी टाइम 11 PM हो चुका है। A few moments later. So good morning everyone. This is Dwilata Karishman from Assam, the cyclist friend and a biker boy. So currently I'm in Guwahati. Late ho chuka hai. 4:27 AM. So aaj 10 tarikh hai. Sunday. 3:30 ko alarm lagaya tha, lekin pata nahi chala. Kyunki ek baje jaisa hi soya tha. Kal sham ko yahan pahuncha tha. तो भाई मतलब क्या होता है, भाई का रिकॉर्डिंग नहीं किया, वो कैमरे में निकलने के लिए थोड़ा शर्माता है, देख सकते हो। तो ये अभी सो रहा है पूरा, मेरे को ऊपर सोने के लिए दिया। अभी पैकिंग हो चुका है देख सकते हो, और जो भाई सो रहा है। तो ये इसका रिकॉर्डिंग कर लिया है। और करीमगंज यहाँ से 400 something किलोमीटर है शिलोंग होके, पूरा मेघालय क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को सिलचर तक, और सिलचर से और 60 से 70 किलोमीटर लगभग वहाँ से और आगे जाने पड़ेगा। ये मेघालय अभी जोराबाद से पूरा पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो हियर इट इज़ 4:36 AM और अपन का महाबली रेडी है देख सकते हो। अभी सिर्फ टैंक बैग लगाना है, इधर में हो जाएगा, ये टैंक बैग लगाएंगे अभी, ऑन करते हैं। हर हर महादेव, हर सतगुरु जी महाराज की जय, हर हर महादेव। आज अच्छा से पहुंचा देना, मैं भी बहुत फोकस करूंगा पूरे रास्ते पे, तो निकल रहे हर हर महादेव। ओए जाओ दे, तू तो काली कैमरा बुला लिया, आज बुला लो, ठीक है। तुम डिस्टर्ब दिल वाला है, कभी ठीक भी जा, एको ना, संडे ना आज। ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सब दे, बाय बाय। शिलोंग 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर शिलोंग, तो नीचे से लेके जाना पड़ेगा। तो ये शिलोंग रोड, तो फाइनली शिलोंग रोड पे हम लोग घुस चुके हैं, महाबली और मैं। अभी का टाइम पूरा 5 बज चुका है। ये शाम मस्तानी मधुहोज रिये जा किसी और को, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आज का दिन का ये पहला टूल, अभी जा रहे टूल बोले तो टोल गेट, तो यहाँ से मतलब ये शिलोंग का टोल गेट है ना, तो ये नया डिस्ट्रिक्ट है। तो शिलोंग पहुँचते मतलब मेरा शिलोंग प्रॉपर शिलोंग नहीं, शिलोंग वाला जो रोड होता है ना बाईपास, तो वहाँ तक सुबह हो जाएगा शायद। फिर से फॉगी वाला वेदर मिल गया मेरे को, अच्छा से जाना पड़ेगा। ये टर्निंग है, हिल्स है ना, और फायदा इसलिए हो रहा है कि ये 4 लेन है, रास्ता भरा है,
लेकिन फिर भी सावधानी से जाना पड़ेगा मेरे को। द सन इज कमिंग, द सन इज कमिंग। तो ये रहा सनराइज, मिल गया है मेरे को रास्ते में, देख सकते हो ऑन दी वे टू शिलोंग के रास्ते में मेरे को सनराइज मिल गया। अब तो शिलोंग तो नहीं पहुँचा है, जो बाईपास हटा है उसे तो शिलोंग में नहीं जाने वाला हूँ। राइट साइड में जो होता है ना वो बाईपास, थोड़ा देर बाद मेरे को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट राइट साइड में वो जगह क्रॉस करके आ चुका है जो शिलोंग जाता है राइट साइड, तो ओमियाम लेक वाला रास्ता। तो अभी मेरे को भूख लग रहा है, अभी देखना पड़ेगा दुकान, अगर मेरे को मिलेगा तो खा लूँगा, लेकिन बहुत ही तेज ही भूख लग रहा है मेरे को। ये चलता है इधर में, इस साइड में चलता है पूरा, आदमी लोग पूरा खाता है ये पूरा चलता है इधर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे भी तामुल पान चलता है जैसे कि आसाम में चलता है हम लोगों का। तो ये कौन सा जगह है प्रॉपर, प्लेस का नाम? ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है? रिभोई डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो भाई लोग को ये मिला था, तो मिल के अच्छा लगा, थोड़ा बहुत बातें किया। ओके थैंक यू। ओके भाई को भी अच्छा लगा। ओके कब बेटा, फिर उठने की जरूरत नहीं है। तो दो कप चाय पी लिया मेरे को, मतलब पूरा ठंड लग गया था, क्योंकि सुबह 4 बजे ही निकला था। अभी फिर से जाना है मेरे को करीमगंज पहुंचना है, और कल से स्टेशन है आप लोगों को पता ही चल रहा है, वही ठंडा बढ़ रहा है फिर से। अभी मैं अपना दूसरा ग्लोव्स निकल लिया, ये वो वाला काम नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो गर्म दिन में जो पहनता है ना वही है, तो अभी डबल पहनेगा। थोड़ा कैमरा में भी चार्ज लगा लिया है, हो गया है, तो अभी निकले। नमस्ते नमस्ते। तो गाइस हो गया है, अभी निकलना है हम लोगों को, कुछ रहा तो नहीं है। यहाँ में मेरे को रोटी नहीं मिला है, मतलब ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं मिला, क्योंकि टाइम लगेगा बोल रहा है, इसलिए। तो अभी नेक्स्ट मेरे को दूसरा एक रेस्टोरेंट पकड़ना है या होटल पकड़ना है, खाना है। फिर से फोगी वाला वेदर मिल गया, इस साइड तो धूप है ही नहीं, धूप सब गायब हो चुका है इस इलाका में, पूरा फोगी वाला है। फिर से ये मेरा पूरा भीग चुका है आगे का ग्लास, कैमरे में भी शायद लग रहा होगा आप लोग, यहाँ में नज़र आ रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है अभी। और ये जब भी फॉगी वेदर आ जाता है ना, फॉगी वाला, तब भी बहुत ही मतलब ठंडा लग जाता है, हिला देता है अंदर से। और अभी दिक्कत ये है फिर 4 लेन नहीं है, 1 लेन ही है, आप लोग देख सकते हो, 4 लेन है, 2 लेन है, देख सकते हो। राधा राधा का है इतना गुरूर भरा, छोड़ो भी नखरे अब ये कैसी आता, तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर, लाखों है गोपिया भी हम पे फिदा। ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट में पराठा मिलेगा, पराठा रोटी मिलेगा, रोटी मिलेगा। हाँ रोटी बनाइए, तो बनाइए। तीन आदमी? एक आदमी है, और भी आ रहा है? कोई नहीं है, मैं अकेला आया हूँ बस। आप मेरे को डीजी है, मेरे को भूख लग रहा है। ओह अभी तक ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, सूरज निकल गया है पूरा। हाँ तंदूरी पराठा है, तो तंदूरी पराठा है। हाँ हाँ तंदूरी है, पराठा पराठा नहीं, वो रोटी रोटी। हाँ तो बहुत ही खतरनाक था रे रास्ता। तो टाइम हो चुका है 7:16। तो ये ढाबा मिला है शिलोंग बाईपास, तो NH 44 है, यह माओखानू है, ये जगह का नाम माओखानू। अभी थोड़ा देर पहले 20 मिनट पहले मैं चाय पिया था उधर में, क्योंकि बहुत ही ठंड लग गया था, तो मेरे को वहाँ में रोटी वोटी कुछ भी नहीं मिला है। फिर से मेरे को ये लाया ढाबा ही है, तो अच्छा वाला खाना मिलेगा इस साइड में, तो इसलिए मतलब मैं खा के जाता हूँ, और रुकने वाला नहीं हूँ मैं। डायरेक्ट नेक्स्ट मेरा लोकेशन जो होगा वो मेरा सिलचर ही होगा, सिलचर। तो वही सोच रहा है मतलब अभी नहीं रुकने का, और बीच में मतलब वो खराब खेड़ियत से जो खराब रास्ता आने वाला है, लास्ट टाइम जो पंचर हुआ था ना मेरा बाइक, वो रास्ते से फिर से मेरे को जाना होगा, तो वही डर लग रहा है बस पंचर ना हो। तो बाइक का हालत कुछ ऐसा टाइप का, आप देख सकते हो ये वाला, मतलब अरुणाचल से आने के बाद मैं धोया नहीं हूँ, वही जाके धोना पड़ेगा मेरे। मज़ा
ये खा के अभी पेट भरा के जाना पड़ेगा, रुकना नहीं है, बहुत ही दूर है अभी भी 200 किलोमीटर पहाड़। मतलब राता चेरा बॉर्डर से लगा के ये उमियांग तक जाम है, उमियांग यहाँ तक ये मतलब हो गया पूरा 100 किलोमीटर का। अब 100 किलोमीटर में न तो खाना है, न पानी है, न टॉयलेट है। यहाँ का जो लोकल आदमी है ऐसे लोग वो टॉयलेट नहीं जाने देते, जो लोग कहीं जाता है इधर उधर जाता है। मैं तो वहाँ से खाना लेके निकला था जहाँ डिगर खान गुरुद्वारा है वहाँ से। गुरुद्वारा तो सिलचर में मिलेगा ना, उसका आगे तो नहीं, पहले तो नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, नीचे जाएंगे ना अपन, प्रोटेक्स पार करेंगे, बंद प्रोटेक्स है और प्रोटेक्स ऑन हुआ ही नहीं। पार करते हैं लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा और सामने अपने सरदार के होटल है। तो एक टाइम में खाना आप रेडी करके रखना साथ में। हाँ है, ले लिया पैकिंग किया। हाँ पैकिंग पार्सल करके रखना, क्यों ये बाइक होने से भी क्या है, सामने वाला ट्रक ऐसा खड़ा है और इधर वाला ऐसा खड़ा है, उसमें गैप इतना ही है, इतना ही इतना गैप है, इतना गैप से बाइक निकलेगा नहीं। तो आपको भी वो ट्रक का लाइन में खड़ा होना है। खतरनाक रास्ता है बोल रहा है ये भैया, बोल रहा है खतरनाक रास्ता है। देखना अभी बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है मेरा पास, अभी देखना पड़ेगा कैसे ओवरकम करते हैं ये चैलेंज को। लेकिन आराम से जा रहा था क्योंकि शिलोंग कितना अच्छा से आया है, अभी ये जो मुश्किल खतरनाक तो आगे ये बोल रहा है, लेकिन अभी चैलेंज फेस करने के लिए पूरा रेडी हूँ, देखना पड़ेगा। ये पिछला टाइम में आपने देख लिया मेरा जो हाफ लॉन्ग वाला वीडियो था वो आप लोगों ने देख चुके हो, तो इस बार वैसा ही होगा। ये ट्रक मेरे सामने टूट भी सकता है, ये देखो ये। हाँ ये और डबल है ये। वो चेक करके जाता है। तो ठीक है निकलते हैं, चलो ओके। आप पंजाबी हो? पंजाबी। हाँ तो जो बोले सोनी हाल सस्त्रियाकाल, ठीक है वाहेगुरु जी की सौ है कि नहीं। निकलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचना है, कल से मेरा सेशन है। गाड़ी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो निकलते हैं डब्बाही। रास्ता खाली है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते थोड़ा तेज चलते। और गाइस आप लोग मेरे को कॉपी मत करना, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जितना भी आज तक चला रहा हूँ मतलब वहाँ से ऑन प्रोसेस प्रैक्टिस हो चुका है, इसलिए आप मेरे को कॉपी मत करना। मैं जो स्पीड में चलाना लीन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत रिस्क की बात है, एक गलती होगा काम ख़त्म, मर भी सकते हो। अगर नहीं मरोगे ना तो चोट आएगा, फ्रैक्चर होगा, पाँव टूट गया, माथा फट गया, फूट गया, ऐसा टाइप का होगा। तो सेफ राइड, ओके? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, पूरा ध्यान से हो, पूरा फोकस करके जहाँ स्पीड देने के लिए आपको मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंट है, विश्वास है, कर पाओगे तब करो, नहीं तो मत करो। अभी शायद खराब रास्ता मिलेगा मेरे को, फटने वाला है अभी। वो थोड़ा रेस देते हैं, ये जगह पता नहीं, लेकिन एक्सीडेंट प्रोन एरिया है बोल के लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये टर्निंग है। तो आपको गाइस व्यू दिखाना होगा ना, मेघालय का व्यू देख सकते हो, वो रहा मेघालय, पूरा मेघालय वैली टाइप होके रखा है, देख सकते हो। और वो देख रहे हो ना, वो पूरा बादल छू के रखा हुआ है, छू रहा है पूरा। आप लोग अभी आप लोगों को आईफोन से दिखाते हैं ये नज़ारा, थोड़ा बहुत दिख रहा है आगे तो पूरा पहाड़ी पहाड़, पूरा पहाड़ पे ही है। तो ये छोटा सा एक रास्ता हो गया शायद, यहाँ में गांव वालों नीचे से जाता होगा यहाँ से। जब आया था ये वाला थोड़ा खराब था रास्ता, पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका है। अभी जो ट्रक ड्राइवर नीचे बोल रहा था वह बहुत खतरनाक होने वाला ट्रक पलटी हो चुका है, तो वो रास्ता शायद आगे से मतलब पहले से डेंजर हो चुका है।
शायद देखने में पता चलेगा, वो 80 किलोमीटर वैसे ही मतलब जाना पड़ेगा बोल रहा है, तो वही देखते हैं कहाँ मिलता है, अच्छे से रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन यहाँ से वहाँ तक मतलब जुआई तक आप लोगों को दुकान मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों का बैकवर्ड है। खाने का मतलब ऐसा कुछ फिक्स ऐसा दुकान नहीं है, जो रोड साइड स्टैंड वाला दुकान ही है, लेकिन वहाँ में कम आइटम मिलता है, जैसे कि नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, तो वो दिक्कत होता है ना। पैकिंग करवा लो, तो मैं पैकिंग करवा के लाया हूँ। मेरा तो ये नियम ही है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बाइक है ना इसलिए थोड़ा आराम है। बस इतना मतलब मैं दुआ करता हूँ, मतलब प्रार्थना रखता हूँ भगवान से, मतलब ऊपर वाला से, कि पंचर ना हो, कल सेशन है ना इसलिए। यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से अंडर तक कितना दूर है पता नहीं, ये जाम कुछ तो प्रॉब्लम होगा, शायद कुछ तो प्रॉब्लम होगा।